जानती है कि मैं क्या विचार हूं। जब चींटी को भी मालूम है कि मैं हूं और तुमने अकलमंद होके भी यही सोचा कि मैं हूं तो क्या सोचा, क्या विचार किया? अरे मैं जानता हूं। अरे भाई चींटी भी शक्कर को जानती है, तो मालूम नहीं होगा चींटियों की एक बड़ी जाति होती है उसको दीमक बोलते हैं। दीमक लाल लाल शरीर होता है उसका, वो मिट्टी की बांधी फैलाती है। चींटी को ऐसी युक्ति मालूम है कि जब दीमक किसी पेड़ में लगता है ना या किसी चीज में लगता है तो हम ले जाकर कोई शक्कर डाल देते हैं। शक्कर उस शक्कर की गंध से चींटी आने लगती है, पहचान जाती है यहाँ शक्कर लेते हैं और फिर वो दीमक के पांव पकड़ लेते हैं। एक चींटी दो चींटी मिलते चींटी दीमक का पांव पकड़ते और चाक जाते हैं उसको, बिल्कुल उसमें जो रस होता है दीमक मार जाते हैं। दीमक मारने के लिए अभी ये गांव में है, उनको भी अपने दोस्त दुश्मन की ही पहचान। तो आप अपने को जानते हैं ये कोई खास बात है, आप जानते हैं। एक सत्संगी है दिल्ली के, मैं जब गीता कॉलेज में से कल्याण परिवार में से रतनगढ़ आता जाता था अब तब वो दिल्ली के कुर्सियां खास कर मिला करते थे। अभी जितना है इसको कृपा से 40 बरस से ज्यादा हो गया, 42-43 बरस। वो उस समय भी एक प्रश्न करते थे तो महाराज मैं हूँ ये तो स्पष्ट अनुभव होता है और मैं जानता हूं ये भी स्पष्ट अनुभव होता है, लेकिन मैं आनंद स्वरूप हूं ये अनुभव नहीं होता। उनका ये प्रश्न 42 वर्ष पहले भी था और अब भी है। वो मिलते हैं तो ये प्रश्न जरूर करते हैं। ऐसे आनंद की मीमांसा कोई पैसा आनंद से मीमांसा। एक मनुष्य को क्या आनंद है, युवा आशिष्टो प्रतिष्ठा उत्साहपूर्ण जवानी को स्वस्थ और आगे के लिए आशावान
उनको सफलता मिले। मुबारक ऐसी को बोलते हैं सार्थक, नया साल तुम्हारा सार्थक है, मुबारक है, सार्थक है। तुम सार बार काम हो जो चाहते हो सो मिले, मुबारक बधाई वर्धापन, एक शुभकामना आशीर्वाद। आप जरा आनंद पर ध्यान दीजिए, वर्धापन बढ़ेगा, उत्साह पूर्ण स्वस्थ जवानी हो और आगे हमको सफलता मिलेगी ये आशा हो। निराश आदमी उन्नत नहीं, उन्नति नहीं कर सकता हो। और जिस काम में तुम लगे हो, जो नियम लिया है जीवन में, जो मर्यादा का पालन करते हो, उसमें दृढ़ता। जो अपनी साधना में आए हुए विघ्न को सह नहीं देता, सामना नहीं कर सकता, कष्ट नहीं सहता हो, आप एक नियम अपने जीवन में लो और उसके लिए कष्ट करो। ये नहीं भी आराम से जरा गर्म हवा कही और ठाकुर जी को छोड़कर भाग गए, दृढ़ता हो और विद्या हो गए, विवाद्या साधु विवाद प्राप्ता और चलाने को भी स्वयं चलाने को चलाए, ये भी उसका। और सारी धरती का जो धन रत्न है उसका वो मालिक हो जाए। कहेंगे भाई एक मनुष्य को इतना आनंद मिलता है, मिल सकता है, बोले अब इसका 10 गुना आनंद गंधर्व को मिलता है, उसका 10 गुना आनंद देव गंधर्व को मिलता है, उसका 10 गुना आनंद कर्म देवता को मिलता है, उसका 10 गुना आनंद आजान देवता को मिलता है। 100 गुना हो, 100 गुना मनुष्य का, 100 गुना गंधर्व को, गंधर्व का 100 गुना देव गंधर्व को, इस तरह 10 बार 100-100 गुना किया, बोले उतना आनंद प्रजापति को मिलता है, फिर उसको भी 100 गुना करो। तो आपको जो आनंद मिलेगा ऐसा कभी हो जाए तो आपको जो आनंद मिलेगा वो आनंद हम अभी आपको देते हैं। ऐसे है वो उस उपनिषद को पढ़ो, ये कहते हो श्रोत्रियस्य च अकाम अवस्थ्य, यदि आप इस विद्या को समझो और आपका दिल दुनिया की कामना से घायल न हो, तो एक संपूर्ण पृथ्वी के राजा मनुष्य को, गंधर्व को, देवता को, प्रजापति को 100-100 गुणित और 10 बार 100-100 गुणित आनंद जो मिल सकता है किसी को, वो आपको अभी मिल जाए यदि आपके मन में कामना तो न हो और विद्या हो। ये विश्व का ऐसा कहना है, ये आप गरीबी से जो हाथ पसार के करते हो ना, पैसे में आनंद है, मकान में आनंद है, भोग में आनंद है, कुर्सी में आनंद है, ऐसे ही जन्म समूह सिराने प्राणनाथ रघुनाथ सो पति तजी सेवक पुरुष बरा, आनंद के लिए भटक गए हैं, अपने भीतर जो आनंद है उसका पता नहीं है। जैसे घायल आदमी छटपटाता है, वैसे कामना से घायल होकर दुनिया में छटपटा रहे हैं। प्रांतम देश अनेक दुर्ग विषम प्राप्तम नहीं चिंतन, देश देश में भटक के आए कुछ,
व्यक्त जाति कुलाभिमान उचितम, अपना अभिमान छोड़ के। कल एक ब्राह्मण मिला था हमको बनारस का, तो यहाँ किसी के घर में नौकरी करता है, तो घर का सब काम करवाते हैं उनसे, सब काम करते हैं, बर्तन भी मांज देता है, झाड़ू भी लगा देता है। अपने ब्राह्मण को कहा तो उसने बिल्कुल तिरस्कार कर दिया है, और सेवा करने से उसको कुछ मिलेगा तो हम जानते हैं, वो जिनकी सेवा करता है उसको कुछ दे देगा, सेवा करता निष्फला। देवाराधन तत्परेण मनसा नीता श्मशाने निशाहा, ये देवता हमको कुछ देगा, ये देवता हमको कुछ देगा, सारी रात श्मशान में बैठ के भूख की साधना करते हुए, परंतु प्राप्त काण वराट को बिन मया एक काणी कौड़ी नहीं मिली। कृष्ण गुणाम चमा, अरे हे कृष्णा देवी अब तो छोड़ो है? जब आप कृष्णा देवी से प्रेम करके उनको अपने कलेजे में रखोगे तो लक्ष्मी देवी के आने का भी सुख आपको नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मी आवेगी तब कहोगे और तो आई हुई बोलेगी हमसे इनको संतोष नहीं है, अच्छा जाओ तुम और करो। कृष्ण गुणामन जमा ये चाहिए, ये चाहिए, श्रोत्रिय से च अकाम हतस्थ। आप वेद शास्त्र संपन्न हो, वेद वेदांत का ज्ञान है, और मन में कोई कामना है, ये वही आनंद है जिसको हम लोग ब्रह्मानंद बोलते हैं। आनंदो ब्रह्म इति विज्ञानात्, हमें विज्ञान हुआ, वेदानात मन विज्ञान हुआ, अनुभव हुआ। जैसे साइंस को विज्ञान बोलते हैं ना, लेबोरेटरी में ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, वैसे हमको ये अनुभव हुआ। तो क्या अनुभव हुआ कि आनंद ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म इति विज्ञानात्, रसो वही साह रसम जे वायम लब्ध्वा आनंदी भवती, परमात्मा रस स्वरूप है, उस रस की प्राप्ति हो जाए तो आप सच्चे आनंदी हो जाएंगे। जब तक आप आनंद के लिए पराधीन हैं, वो मर्द खुश होगा तब आनंद मिलेगा, वो औरत खुश होगी तब आनंद मिलेगा, इतना पैसा आवेगा तब आनंद आवेगा, मिनिस्टर हमारे दोस्त होंगे तब आनंद मिलेगा, सेठ हमारे ऊपर कृपा करेंगे तब आनंद मिलेगा, ये आपने अपने आनंद को निकाल करके पराधीन कर दिया। आनंदो ब्रह्म इति विज्ञानात्, देखो जैसा आनंद से मीमांसा भवति, उपनिषद आनंद की मीमांसा कर रही है, वो आनंद का विचार कर रही है। मुझको क्या तू मैं बंदे, मैं तो तेरे निवास। आप नया वर्ष मनाते हैं, आपको मालूम है एक एक क्षण नए वर्ष का प्रारंभ होता है, एक एक क्षण नए वर्ष का प्रारंभ होता है, नया हफ्ता भी शुरू हो रहा है, नहीं नया महीना भी शुरू हो रहा है, हर मिनट में हो हर सेकेंड, नया हफ्ता नया महीना नया साल नया जीवन, नई वृत्ति का आना माने नया जीवन का प्रारंभ। छोड़ो सारे स्वप्न को, छोड़ गया छोड़ जो बीत गया उसको काय को लगाए करते हो, हर क्षण नया नया दृश्य, क्या सिनेमा दिख रहा है, नया सीन हर सेकेंड में नया सीन, इसका मजा लो, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, अरे क्या होगा क्षण भर का तो मालूम नहीं, ये आई आंधी ये आया तूफान ये आया भूकंप, और ये हो गया विद्रोह, ये सरकार रख गई, क्षणार्थम नहीं जाना मैं बताता कभी राष्ट्रपति, आधे क्षण का तो पता नहीं है कि आगे क्या होगा,
तो वर्तमान में जो नया काल इसी सेकेंड में जो नया काल है ना शुरू हो रहा है, ये शुरू हुआ, ये शुरू हुआ, ये शुरू हुआ, नया 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 नूतन नूतन पदे पदे पद 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 नया सेकेंड बदलते हैं, आनंद नहीं बदलता है, वृत्तियां बदलती हैं तो ज्ञान नहीं बदलते, वृत्तियां बदलती हैं ज्ञान नहीं बदलता, सेकेंड बदलता है तुम नहीं बदलते। तो भाई ये है आनंद तो उभरा हुआ यदि बेजारा बोले वो आनंद कहाँ रहता है, श्रुति की बात से आनंदाद्धिव खल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तो प्राणी की उत्पत्ति आनंद से हुई और क्या नाम है जन्म हुआ तो तुम्हारे माँ बाप को कितना आनंद हुआ था, अभी जन्म नहीं माँ के पेट में जब तुम्हारा जन्म हुआ तो माँ बाप कितने आनंदित थे, आनंद में से निकले हो। सभी प्राणियों की उत्पत्ति आनंद में से होती है और आनंद से पैदा होकर आनंद से ही जीवित रहते हैं, आनंद में तृप्त करते हैं, प्रयंती प्रत्यंती प्रिय दर्पण प्रयंती प्रकर्षण गच्छन्ति आनंद से ही चलते हैं, आनंद में ही तृप्त रहते हैं, आनंद में ही चलते हैं। अरे बाबा घूम लो एक मिनट मस्ती के साथ एक बार झूले आनंद आनंदम प्रयंति अभिसंभित आनंद में ही लीन हो रहे, सोते हैं तो आनंद, जागते हैं तो आनंद, चलते हैं तो आनंद, पैदा होते हैं आनंद, मिलते हैं आनंद, बिछुड़ते हैं आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद के फुहारे उठ रहे हैं, आनंद की बौछारें उड़ रही हैं, आनंद की नदियां बह रही हैं, आनंद का समुद्र मच रहा है, आनंद आनंद आनंद। ये आनंद की मीमांसा दैत्य उपनिषद जो है वो आनंद की मीमांसा है। कहाँ आनंद है जी, आपका आनंद तिजोरी में है। देखो भाई कहीं अगर चाबी पड़ी रह गई तो घर का ही कोई सुहा कर दे, तिजोरी में आनंद रख के आओगे ना, और कहीं चाबी भूल भाल गई तो कोई घर का ही तुम्हारा आनंद उठा ले जाएगा। नोट में आनंद रखोगे चूहे काट डालेंगे तुम्हारे आनंद, कपड़े में आनंद रखोगे बजाज लोग फाड़ के फेंक देंगे, गुलाब जामुन में आनंद रखोगे रसगुल्ले में सड़ जाएंगे वो एक दिन, कहा तो अपने आनंद को कहा रखे और अपने रखोगे बुढ़िया हो जाएगी फिर दूसरे का मन होगा, मरद में रखोगे बेवफा हो जाएगा विश्वासघात करेगा, कहाँ रख रहे हो आप, तो अपना आनंद अपने पास रखो। क्या तुम्हारे पास आनंद रखने के लिए कोई हृदय की तिजोरी नहीं है, वहां आनंद रखने का। अच्छा वो आपको आनंद के गौर बात बस आपसे 150 बरस पहले जो हमारे बड़े बूढ़े लोग थे उनकी दसों उंगलियां धीम होती, बड़े धनी थे, बड़े उदार थे और हीरा मोती, इतने बड़े बड़े जो किले बने हैं, तो ये जोधपुर का किला है, ये जयपुर का कल किला है, ये उदयपुर का किला है, जगह जगह है ना सर, उनके पास संपदा न होगी तो ये कैसे इतने बड़े बड़े किले बनाते, इतना हीरा इतना मोती है, इतने बड़े बड़े तालाब, बड़ी भारी संपदा थी उनके पास, वो तो बड़े भजे में थे आनंद में थे, हम लोग बड़े दुखी हैं।
नारायण नारायण कहाँ हैं बड़े बड़े लोग किंबाद रिश्ते किंबाद आ रही ब्राह्मण जो परिष्यसि आत्मा मन विच्छ गुहां प्रविष्ट पिता महास्ते प्रगता पिताच तुम्हारे बाप दादा परदादा कहाँ गए। अब जब हम ध्यान करते हैं ना अपने बाप का ख्याल करते हो दादा का बाप का दोनों और बंद करके गए तो हमारे बाप की एक शक्ल आती है हमको लगता है मोटे मोटे से जरा रंग गोरा था पिताजी नाते थे और माता जी जरा लंबी माता जी हमारी लंबी थी कौन पिताजी से छोटे लगते थे तो सात ही बरस की उम्र में तो मरे थे। अब मैं सोचू तो क्या सोचू तो वो कहाँ दिखते हैं खुली आंख से तो दिखते नहीं अच्छा आंख बंद करके हम उनको देखते हैं तो हमारे कलेजे में है ना इस शरीर को तो मैं मानता हूं कि ये मैं हूं और इस कलेजे में जो पिताजी दिखते हैं सो हैं अरे वो या तो हमारे मानस पुत्र हैं हमारे बेटे हो गए हो हमारे मन के बेटे बन गए हमारे बाप हमारे मन के बेटे बन गए और भीतर देख रहे हैं और या तो मैं ही बाप की शक्ल धारण करके अपने को देख रहा हूं देखने वाला उस दृश्य पिता और दृष्टा पुत्र जो पुत्र की आत्मा है वही पिता की आत्मा है। अब हम पिता के सुख को क्या याद करेंगे हमारा मन ही वैसी कल्पना करके सुखी होता है हम ही उस कल्पित से एक होते हैं एक जब कल्पनावच्छिन्न चैतन्य और कल्पितावच्छिन्न चैतन्य एक हो जाता है तब मजा आता है पर ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है ये अपने अंतकरण में कल्पित को देखना ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो ये तो उस समय की तन्मयता का आनंद है कहाँ मजा है आपका मजा कहाँ है तो भविष्य में कब तक भाई जब हमारे बेटे का ब्याह होगा तब हम बहुत सुखी होंगे क्या आनंद होगा बेटे के ब्याह के लिए अभी आपका बेटा कहाँ है काफी तो महाराज पहले ही नहीं हुआ है लो बोला आज का आनंद तो तुमने फेंक दिया कहीं और जो आगे बेटा होगा और उसका ब्याह होगा और उसके बेटा होगा उसका मजा ले रहे हो अरे मजा इस सेकंड का लो बाबू हम लोग बच्चे बच्चे जब इकट्ठे होते तो खेलते नहीं खेलते कहा भाई अब मन ही मन सदुआ खाए अब तो सदुआ जानते हैं सदुआ तो बच्चे बैठ गए बोले आओ जी मन ही मन सत्तु खाए एक था बड़ा होशियार उसने कहा कि भले मानुष जब मन ही मन खाना है तो सत्तू क्यों खाते हो लड्डू खाओ ना मन ही मन खाना है तो सत्तू क्यों खाते हो लड्डू खाओ तो ये सब भूत भविष्य का अमेरिका में ये आनंद है अरे यहाँ पर तो चाय पीने को नहीं मिलती है और सो रहे हैं अमेरिका में हो बड़ा शराब की बोतलें टूट भी देते हैं मौत कर कल्पना की दुनिया में मत जीवो भाई ठोस दुनिया में आ जाओ सच्चाई को देखो ये कल्पना की दुनिया नहीं है आनंद आप और आनंद और आप जो चीज अमेरिका में है उसके आनंद का ख्याल छोड़ो जो आनंद भोगते भोगते मर गए उनके आनंद का भी ख्याल छोड़ो जो अभी आनंद बाद में पैदा होने वाले हैं तो उनका भी ख्याल छोड़ो और जो तुम्हारी आत्मा से बाहर आनंद है उसकी पराधीनता को देखो आज है कल नहीं है क्षयिष्णु साध्यम विज्ञाय निःशेषम कर्म साधनम देखो दुनिया में कहीं किसी के पास जाओगे या तो वो मर जाएगा और ये ईश्वर ने ये बनाया हो जब तुम प्रेम करोगे दुनिया में किसी से
कि जिससे तुम प्रेम करोगे वो तुमको रुलाएगा, यार बांधेगा। ये उपनिषद में ऐसे लिखा है, प्रियम वा रुक्ष्यति, जिससे तुम प्रेम कर रहे हो वो तुमको रुलाएगा। ये उपनिषद लिख लो, ये उपनिषद की वाणी है, जिससे तुम प्रेम करते हो वो तुमको रुलाएगा। और रुक्ष्यति अवरुक्ष्यति, और वो तुम्हें बांध लेगा, बांध लेगा। तो यदि रोना हो और बंधन में पड़ना हो तो दुनिया की किसी चीज से प्रेम करो। दुनिया की चीज में जो प्रेम है वो रोना और बंधन जो उसका फल है, प्रेम स्वाम रोज, जिससे प्रेम करोगे वो तुमको योग्य होगी। एक दिन वो तुमको छोड़ कर जाएगा या तो तुम उसको छोड़ के जाओगे, बड़े आनंद की बात है। अवश्यम जाता रहा चिरतर अनुषित्वा विषया, योगे को भेदस्त्यगति न जनो यत् स्वयं प्रगन्त स्वातंत्र्याद कुल परिथापाय मनसा, स्वयं त्यक्ताजी समसुखमनन्तं विदधति। ये जो संसार के भोग हैं विषय है, ये निश्चय ही तुमको छोड़ेंगे, भले 10 दिन ज्यादा रहे कि 10 दिन कम रहे, जाएंगे जाएंगे जरूर जाएंगे। तो जब ये जाने वाले हैं तो हम इनको क्यों न छोड़ गए, क्योंकि वे छोड़े कि हम छोड़े, छूटना तो है, छूटना तो बराबर है, या तो वे छोड़ के जाए या तो हम छोड़ दें, नहीं फर्क है। क्या फर्क, यदि वे स्वयं चले जाएंगे हमको छोड़कर तो हमें दुख होगा, बहुत दुख होगा, अरे वो चले गए। और यदि हम स्वयं छोड़ दें, खुद छोड़ दें, बड़ी शांति मिलेगी। छोड़ के छूटने पर दुख होगा, यदि वे छोड़ के जाएंगे तो दुख होगा, और हम छोड़ेंगे तो शांति का आनंद आएगा। दुनिया की सभी चीजें आपको रुलाने वाले हैं, रुलाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, मरने वाले हैं, बेवफा आपके साथ विश्वासघात करने वाले। आज जो प्रेम मालूम पड़ता है, ये ब्याह के पहले जो लव होता है, लव लबालब, ब्याह के दिन वो थोड़ा स्थिर होता है और ब्याह के बाद घटने लगता है। दो तीन बरस में प्रेम का जोश पुराना पड़ जाता है। तो बच्चों बच्चे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, दो तीन बरस फिर तो समझौते का दिन आपके साथ विश्वासघात करेंगे, निश्चित है। सावधान साधु सावधान, बोला ये साधन भी क्षयिष्णु है, ये साध्य भी क्षयिष्णु है, क्षयिष्णु क्षीण हो जाएगा, घिस जाएगा, घिस जाएगा, ये तुम्हारा दिया कपड़ा पुराना हो जाएगा, ये ताजा भोजन तुम्हारा बासी पड़ जाएगा, ये तुम्हारा ताजा प्रेम। इसलिए बाबू नए संवत्सर को कैसे मनाना, अपने आनंद को पहचानो। तुम जहां रहोगे वहां आनंद है, तुम जो रहोगे एक वही आनंद है, तुम जब रहोगे तब आनंद है, चलोगे तो आनंद है, बोलोगे तो आनंद है, हंसोगे तो आनंद है। हमारा होना सबसे बड़ा आनंद है, हमारा जानना सबसे बड़ा आनंद है, हमको छोड़कर और कौन आनंद होता है, आनंद और क्या होता है। तो बाबा परदेशी से प्रेम मत करो, परदेशी से प्रीत, ये सारी चीजें दुनिया की परदेशी हैं,
परदेशी हैं बिल्कुल। अच्छा कौन कहाँ से आया है आपको मालूम? अरे आप बोला बोला बता देंगे, ये वाल्डन रोड से आए, ये पैदल रोड से आए, इंद्रेंद्र राज से आए, ये नहीं। ये कौन शरीरधारी कहाँ से आया है ये आपको मालूम है? अच्छा फिर ये कहाँ जाएगा ये आपको मालूम है? आया है ये भी पक्का, जाएगा ये भी पक्का। जैसे प्याऊ पर, जैसे होटल में, जैसे क्लब में, जैसे धर्मशाला में मिल जाते हैं, ऐसे ही तो मिल रहे हैं। तजोरे मन परदेशी मेरे का, ये परदेशी से प्रेम छोड़ो अपने देश में। हमको एक गीत याद था पहले बचपन में, अब भूल गया। तो एक दिन किसी ने कहा स्वस्तिक बना दो हमारी बहन पर, और हमको भूल गया है स्वस्तिक बनाना। हो हम पहले तो बहुत बनाया भूल, बड़ी मैंने कहा हमको तो नहीं आता है, भूल गया है। उसने हमारा हाथ पकड़ के हमारी उंगली से तब स्वस्तिक बनवाया। भूलती जा रही है दुनिया तो भूल गई है। सूरत गिर गुड़िया छाई निज देश, जहां न सूरत जहां मुहूर्त पूरन धनी ने सूरत गिरिया छाई। देखो आप अपने घर में कहीं भी रहते हो, बहुत लोगों को हम जानते हैं। परसों जापान से कहीं आए, लंदन से आए, अमेरिका से आए, दिल्ली से आए, क्यों आए? भाई दिवाली पर अपने घर में रहने से अपने घर में लक्ष्मी की पूजा करना है, और नए संबंध करके फिर अपने घर में रहना चाहिए हो, है कि नहीं? अपने घर में रहना चाहिए। हमारे पंडित जी पढ़ाते थे तो एक बार पढ़ा के पूछते है कि नहीं, है महाराज है कि नहीं? अरे अपने घर में रहो ना, अपने घर में। अपने घर से निकले बहुत दिन हो गए, सूरत बिरहुरिया बिरहनी है, हमारी जो सूरत है वो बिरहनी है, अपने आप को छोड़कर इधर उधर भटक रही है। दरवाजे पर खड़े होकर देखते वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उसमें हमारा यार आ रहा है, उसमें हमारा प्यारा, उसमें हमारा प्रीतम आ रहा है, पति आ रहा है। दरवाजे पर खड़े होकर देखते हैं, जब वो पास आवेगा तब मालूम पड़ेगा कि जिसको हम देख रहे थे वो नहीं है। सूरत बिरहुरिया छाई निज देश, अब अपने देश में अपना देश कैसा है, अपना घर ऐसा है कि जहां न सूरत जहां न मूरत पूरन धनी दिनेश, जहां तुम पूरन धनी सूर चमक चंद चमक रहे हो, वहां अंधकार नहीं है तमसोमा ज्योतिर्गम, वहां अंधकार नहीं है ज्योति है, वहां असत नहीं है सत है, असतोमा सत्गम है, वहां असत्य नहीं है सत्य है। तो तुम्हारे रोम रोम से आनंद के फुहारे छूटे हैं, आनंद ही गंगा बहे है, आनंद का समुद्र बहे है, दुख न रहे, जड़ता न रहे, मृत्यु न रहे, परिच्छिन्नता न रहे, पराधीनता न रहे। तुम सुख बांटने के लिए आए हो, तुम आनंद के धनी हो, तुम आनंद के खजाने हो, आनंद के समुद्र हो, तुम आनंद बांटने के लिए आए हो। जो तुम्हारे पेट भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम जीवन दान करो, सब सत्य जीवन का दान करो, सत्य ज्ञान का दान करो, सत्य आनंद का दान करो, सत्य पूर्णता का दान करो।